स्टूडेंट कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टडीवितासुम में सो so स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इंसेक्ट रेजिस्टेंस के बारे में इंसेक्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्टिसाइड्स एंड हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रॉस एंड मल्टीपल रजिस्टेंस एंड रजिस्टेंस डेवलपमेंट एंड रजिस्टेंस मैकेनिज्म एंड मैनेजमेंट इन सभी टॉपिक के बारे में इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि एम के फाइनल ईयर के एंटेमोलॉजी में है वो सिलेबस में आता ही है एंड एग्रीकल्चर में आता रहता ही है तो so, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से सो इंसेक्ट रजिस्टेंस रेफर टू द एबिलिटी ऑफ इंसेक्ट्स टू सर्वाइव एक्सपोजर टू इंसेक्टिसाइड्स दैट वुड टिपिकली बी लीथल। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट रजिस्टेंस हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू द अर्ली डे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स यूज इंसेक्टिसाइड so, के एक्सपोजर के बाद में भी इंसेक्ट को सर्वाइव करने की जो एबिलिटी होती है वो होती है रजिस्टेंस इंसेक्ट रजिस्टेंस ओके बिकॉज आपको पता है इंसेक्टिसाइड काम क्या करता है इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट को किल करते हैं ओके okay, और जब जब इंसेक्ट में वो मेकेनिज्म आ जाती है एबिलिटी आ जाती है जब उस वो इंसेक्ट इंसेक्टिसाइड से है, वो अगेंस्ट है वो सर्वाइव है वो कर सके सो so, वो एबिलिटी होती है इंसेक्ट रेजिस्टेंस एंड हिस्ट्री ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट केस ऑफ इंसेक्ट रजिस्टेंस वॉज इन नाइनटीन फोर्टी एंड विन द डायमंड ब्लैक मॉथ डेवलप रजिस्टेंस टू लीड आर्स ओके then, uh, since then, many other cases of resistance has been uh, documented in a wide range of insect species. Okay? and most widely known insecticide is uh, ddt. resistance in uh, anopheles uh, uh, was reported in sri lanka in 1968, resulting in a severe epidemic of malaria. में सर्वप्रथम डीडीटी का रेजिस्टेंस इसमें है वो सर्वप्रथम है वो श्रीलंका में रिपोर्टेड हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप है वो बहुत ही है वो गंभीर मलेरिया का है वो लक्षण है वो देखने को मिला गंभीर नाउ इफ यू टॉक अबाउट क्रॉस एंड मल्टीपल रजिस्टेंस सो क्रॉस रजिस्टेंस अकर वेन एंड इंसेक्ट डेवलप्स रजिस्टेंस to to one insecticide and then exhibit reduced other insecticide with a similar mode of action. okay अब देखो क्रॉस uh, रेजिस्टेंस में होता क्या है जब इंसेक्ट है वो सिर्फ एक ही प्रकार के केमिकल यानी एक ही प्रकार के insecticide जो केमिकल्स होते हैं एक ही प्रकार के इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट है वो uh, जब बनाते हैं रजिस्टेंस जब रजिस्टेंस एक ही प्रकार के इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट हो ओनली वन टाइप ऑफ सो वो होता है क्रॉस रजिस्टेंस एंड जब धीरे धीरे होता क्या है सस्टेबिलिटी सस्प्टिबिलिटी यानी कि जो अति संवेदनशीलता है वो उस उसी मोड ऑफ एक्शन के ऊपर जो काम करने वाले अलग इंसेक्टिसाइड भी होते हैं जैसे कि मान लो एक इंसेक्ट है मान लो वो है वो एक प्रकार के इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस उसने है वो शो की डेवलप की सो वो धीरे धीरे क्या करेगा मान लो वो जिस जिस इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट उसने रेजिस्टेंस शो की थी वो इंसेक्टिसाइड है मान लो वो अफेक्ट कर रहा था बाय द इंक्रीजिंग इन साइक्लिक एम ओके सो अब और उसी प्रकार के मोड ऑफ एक्शन पे यानि और सिमिलर उसके अलावा जो भी इंसेक्टिसाइड होंगे जो कि साइक्लिक एएमपी को ही बढ़ा बढ़ाकर है वो मोड ऑफ एक्शन से ही वो अफेक्ट कर रहे होते हैं इंसेक्ट को सो so उसी सिमिलर uh, इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट भी है वो धीरे धीरे है वो रेजिस्टेंस शो करेंगे लेकिन वो सिमिलर प्रकार में ही और वन टाइप में ही ओके okay, लेकिन मल्टीपल रेजिस्टेंस में क्या होता है मल्टीपल रेजिस्टेंस अकर वेन एन इंसेक्ट डेवलप्स रेजिस्टेंस टू मल्टीपल इंसेक्टिसाइड ओके विथ डिफरेंट मोडोफिकसन ओके सो साइक्लिक ए एम पी पे भी काम करने वाला हो चाहे नर्वस सिस्टम न्यूरो ट्रांसमीटर पर काम करने वाला हो सो so सारे प्रकार के अलग अलग मल्टीपल uh, एक से ज़्यादा है वो मोड ऑफ एक्शन या अलग अलग टाइप uh, के, के against, uh, वो इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस अगर शो हो सो so वो होता है मल्टीपल रेजिस्टेंस सो नाउ टॉक अबाउट रेजिस्टेंट डेवलपमेंट सो रेजिस्टेंट कैन डेवलप थ्रू ए वेराइटी ऑफ मैकेनिजम्स इंक्लूडिंग इंक्रीज मेटाबोलिज्म ऑफ द इंसेक्टिसाइड reduce target site sensitivity and behavioral adaptation. And in general uh, So in uh, general resistance develop when a small number of insects are exposed to sublethal dose of insecticide, allowing them to survive and pass on their resistance gene to their offspring. सो so, रेजिस्टेंस uh, है वो डेवलप कैसे होती है जो इंसेक्ट के स्मॉल स्मॉल नंबर ऑफ इंसेक्ट जब एक्सपोज है वो कराते हैं सब लिथल डोज इंसेक्टिसाइड्स के सो so, सब लीथल डोज इंसेक्टिसाइड की सब लीथल डोज uh, क्या होती है जो वह वह डोज जो कि इंसेक्टिसाइड की वेट हो जो कि पूरी तरह से उनको वो इंसेक्ट को किल करने के लिए सुफिशियंट नहीं हो लेकिन लीथल हो जिससे क्या होता है कि उनके अंदर है वो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है और वो है उनके जीन में है वो मॉडिफाई करके है वो आ, उनके जीन से है वो जो एंजाइम बनते हैं उसके अकॉर्डिंग है वो, वो मॉडिफाई होकर है वो रजिस्टेंस है वो शो करते हैं एंड चूंकि वो जीन में है वो मोडिफाइफिकेशन होता है सो वो है ऑफ में नेक्स्ट जनरेशन में जो आने वाली ऑफ है उसमें भी है वही जीन जाएंगे जिससे है वो आगे से आगे नेक्स्ट वाली जनरेशन में रजिस्टेंस है वो डेवलप है वो होती जाएगी ओके सो रजिस्टेंस है वो अलग अलग मोड पर है वो हो सकती है जैसे कि फर्स्ट है वो बिहेवियरल मोडिफिकेशन है वो कर सकते हैं बिहेवियरल मोडिफिकेशन इन द सेंस जैसे कि मान लो है वो इनहेलेशन जिस ऑर्गन से वो करते हैं उसकी है वो आकृति है वो बदल जाती है जिससे वो ओनली इंसेक्टिसाइड्स है वो उसके है वो ऑर्गन में है वो ना आ पाए जिससे है वो इंसेक्टिसाइड है वो अंदर नहीं आ पाए ओके या फिर जो स्किन से वो ऑब्जर्व हो तो वहाँ पर स्किन को है इस प्रकार से कवर कर लेते हो ताकि वो इंसेक्टिसाइड अंदर नहीं आए और या फिर द बिहेवियर को पूरा हो वो चेंज कर लेते हैं रिपेयर उसके है वो इंसेक्टिसाइड को है वो इंडिकेट करके दूर है वो जा सकते हैं ओके एंड नेक्स्ट है वो जैसे कि रिड्यूस पेनिट्रेशन uh, को रिड्यूस करके भी है वो uh, इंसेक्टिसाइड के रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं पेनिट्रेंस इन द सेंस इंसेक्ट की बॉडी में है जो जिस प्रकार से वो पेनिट्रेट करते हैं यानी घुसते हैं इंसेक्टिसाइड अंदर सो so उसको बोलते हैं पेनीट्रेट सो so उसको है वो कम कर देते हैं एंड जो एक्सक्रीशन है उसका है वो बढ़ा देते हैं रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस इंसेक्ट होते हैं वो उसके जो इंसेक्टिसाइड के है वो एक्सक्रीशन को बढ़ाकर है बढ़ाकर भी है उसके रेजिस्टेंस को है वो डेवलप कर सकते हैं एंड डिटॉक्सिफिकेशन uh, की प्रोसेस को बढ़ा बढ़ा सकते हैं एंड uh, सबसे मोस्ट थिंग है वो जैसे कि हमने बात की जीन में है वो डिफरेंट uh, होता है जीन जीन में परिवर्तन होता है जीन सीक्वेंस में जो कि नेक्स्ट वाली जनरेशन में भी है वो जा सकते हैं सो so, उसमें क्या हो सकता है तो जीन है, आपको पता है प्रोटीन को कोड करते हैं और जब इंसेक्टिसाइड्स जो भी होते हैं अलग kind, अलग काइंड अलग अलग केमिकल जो इंसेक्टिसाइड होते हैं वो अलग अलग काइंड kind ऑफ of अलग अलग प्रकार के हैं वो रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं सो so, उनकी जो रिसेप्टर साइट है वो स्पेसिफिक होती है ओके okay. जैसे कि मान लो इस प्रकार का कोई इंसेक्टिसाइड केमिकल है सो so वो इसी प्रकार के इसके आ, सेफ के अकॉर्डिंग ही है उसका आ, वो होगा रिसेप्टर सो so रिसेप्टर का है वो, वो सेफ है वो सेफ है वो चेंज कर 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 लेगा इंसेक्ट ओके सो सो जब आ, वो इंसेक्ट है जब इंसेक्टिसाइड मान लो इस इस सेफ का इंसेक्टिसाइड केमिकल है जो कि अफेक्ट करता है इंसेक्ट में ओके और इस uh, इस प्रकार के है वो रिसेप्टर पे अफेक्ट करता है सो जब अगर इंसेक्ट इंसेक्ट है वो अपने रिसेप्टर को इस इस आकृति का कर लेगा तो वो इंसेक्टिसाइड है वो इस पर अफेक्ट ही नहीं कर पाएगा इससे वो अटैच ही नहीं होगा रिसेप्टर पर सो उसका मेकेनिज्म भी है वो शो नहीं होगा ओके इस प्रकार से वो रजिस्टेंस है वो शो कर सकते हैं ओके अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो सपसेप्टिबल इंसेक्ट जो कि है जो ससेप्टिबल यानी जो कि अति संवेदनशील होते हैं अगेंस्ट द इंसेक्टिसाइड सो इंसेक्टिसाइड जिनके ऊपर अफेक्ट करता है सो उसमें क्या होता है उसमें है वो पेनिट्रेंस भी बहुत ज़्यादा होता है इंसेक्टिसाइड बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं एक्सक्रीशन उनका बहुत कम हो पाता है ओके डि, डि, डिग्रेडेशन भी बहुत है वो कम हो पाता है और जाके है वो उनके रिसेप्टर साइड के साथ भी है वो अटैच हो जाते हैं ओके रिसेप्टर साइड में भी मॉडिसफिकेशन नहीं होता है उसको अटैच होकर वो आगे उनका हो जाता है और उसमें है ओके okay, वो किल कर देते हैं आ, इंसेक्ट को ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट रेजिस्टेंस मैकेनिज्म मैकेनिज्म सो द ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉडर कैटेगरी टारगेट साइड रेजिस्टेंस एंड मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस ओके सो टारगेट साइड रेजिस्टेंस अकर विन म्यूटेशन इन द टारगेट साइट सच एज द इंसेक्ट नर्वस सिस्टम रिड्यूस दफिनिटी ऑफ द इंसेक्टिसाइड फॉर द टारगेट एंड uh, जैसा कि हमने बात की रिसेप्टर का चेंज में है वो कर लेंगे सो जो कि है वो टारगेट साइट होता है इंसेक्टिसाइड का सो उसमें है वो टारगेट रिसेप्टर में ही है वो चेंज हो जाएगा सो जिससे है वो एफिनिटी है वो एकदम से रिड्यूस हो जाएगी इंसेक्टिसाइड की ओके सो देर बाय रिड्यूसिंग इट्स एफेक्टिवनेस ओके सो मेटाबोलिक रजिस्टेंस नाव यू टॉक अबाउट मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस मेटाबॉलिक रेजिस्टेंस अकर विन इंसेक्ट्स आर एबल टू डिटोक्सीफाई इंसेक्टिसाइड्स ओके मोर एफिशियसली एंड ऑफन थ्रू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द डिटोक्सिफिकेशन प्रोसेस ओके एंड डिटॉक्सिफिकेशन से वो डिटॉक detox, डिटॉक्सिफिकेशन uh, है वो कर देते हैं इंसेक्टिसाइड्स का उनका डिग्रेडेशन ज़्यादा कर देते हैं ड्रेशन है वो बढ़ा देते हैं ओके सो रेजिस्टेंस मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो टू टू मैनेज रेजिस्टेंस इट इज़ असेंशियल टू द सिलेक्शन प्रेशर फॉर रेजिस्टेंस इंडिविजुअल्स बाई बाई रोटेटिंग इंसेक्टिसाइड्स विद डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन okay and using insecticides only when necessary and using integrated pest management strategy that include non chemical control method so now if we talk about conclusion overall conclusion and insect resistance is a major challenge facing the agriculture industry and require a coordinated effort, effort to develop effective resistance management strategy टू इंश्योर द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंसेक्टीसाइड यूज ओके सो लॉन्ग टर्म सप्टेबिलिटी के लिए वो इफेक्टिव है वो स्ट्रेटर्जी है रजिस्टेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटर्जी है वो बनानी पड़ेगी ताकि वो इंसेक्टीसाइड का लॉन्ग टर्म है वो यूज़ हो सके लॉन्ग टर्म सस्टेन है वो रह सके सस्टेबिलिटी uh, है वो रह सके उनकी ओके okay, इंसेक्ट के ऊपर सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो को पसंद आई तो और चैनल पे है वो सारी इंटेक्नोलॉजी के पीछे वाली है वो सारी वीडियो है वो आप देख सकते हो प्ले, प्ले लिस्ट में जाकर एंड अदर भी प्ले लिस्ट वहाँ पर पड़ी है मस्सी के सिलेबस की वो भी आप चेकआउट कर सकते हो ओके बाय बाय